जोरा। और मध्य प्रदेश में खरीद फरोख्त को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं जारी हैं। कांग्रेस लगातार इस मुद्दे को उठाकर बीजेपी पर हमला कर रही है। इसी कड़ी में पुनासा में पूर्व मंत्री कांतिलाल भूरिया ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया को दलाल कह दिया। भूरिया ने कहा, इन्होंने हमारे 22 विधायकों को करोड़ों में बिकवाया है। हाँ जो आप उसको बोले सिंधिया जी की जो हालत होगी वो कोई नहीं उसको बचा पाएगा। उन्होंने तो सब सारा दलाल बन के उन्होंने हमारे 22 विधायकों को 35 से 50 करोड़ में बेच दिए उसने, और बेच के अब कह रहे हमें जनता के आदमी हूँ, जनता के बीच में किस मुँह से आ रहा है। अब जनता बिल्कुल सिंधिया जी को नकार दिया और उनके 22 के 22 जीते बिके हुए हैं। अब यहाँ पर बिकाऊ रहने वाला टिकाऊ रहेगा, बिकाऊ तो सब बाहर हो जाएंगे और टिकाऊ हमारे कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं वही जीत के जाएंगे और कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी 10 तारीख। और मध्य